पेंटाप्रोजोल और डोम्पेरिडोन का गैस का गोली है जो मार्केट में 150 करीब बिकता है, ये मात्र मेरे पास 30 रुपए की एक एक पत्ते है। हर एक महीने के अंतिम रविवार को कुशवाहा सभा भवन में, हर एक महीने के अंतिम रविवार को वहाँ फ्री चेकअप होगा। फ्री चेकअप में आपको जैसे शुगर की जांच फ्री होगी, कोलेस्ट्रॉल की जांच फ्री होगी, उसके अलावा आपको हीमोग्लोबिन की जांच फ्री होगी। तो मैं ये लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अपना कीमती पैसा और अपना स्वास्थ्य दोनों का ख्याल रखें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, फिर से आपका दोस्त आपके साथ है। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं सासाराम के ठाकुर मार्केट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ठाकुर मार्केट सासाराम का, जो कि सबसे पुराना सासाराम का मार्केट है ये। तो वैसे तो इस मार्केट को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर दिया है, तो आज हम आपको यहाँ पर इस मार्केट के अंदर, यहाँ पर एक जेनरिक आधार स्टोर है जिसमें भाई साहब आपको जो दवाइयाँ मेडिसिन होती है वो 80% छूट पर मिलती है। सासाराम में ये फर्स्ट जगह है जहाँ पर जेनरिक आधार स्टोर ओपन हुआ है, तो आज हम आपको वही एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप लोग इस ब्लॉग में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस, जो भी आप देख रहे हो सासाराम का सबसे पुराना मार्केट जो कि सासाराम का ठाकुर मार्केट है, इसी के अंदर आप देख सकते हो वहाँ पर जेनरिक आधार मेडिकल का, वहाँ पर आप देख सकते हो बोर्ड लगाया गया है, उसी जगह पर वो मेडिकल ओपन हुआ है। तो आज हम आपको वहीं पर लेके चलने वाले हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये गाइस आप देख रहे हैं सासाराम के ठाकुर मार्केट में ढोसा का सबसे फेमस शॉप, और ये आप देख सकते हो यहाँ पर पैराडाइज टेलर्स आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो जेनरिक आधार आप देख सकते हो ये बोर्ड, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर पैराडाइज टेलर्स। ठीक इसके बगल में यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर सीढ़ी है, सीढ़ी से होते हुए आप लोगों को ऊपर में जाना है, इसी के ऊपर जेनरिक आधार स्टोर ओपन हुआ है। तो गाइस चलिए चलते हैं ऊपर। तो गाइस जब हम लोग सीढ़ी से होते हुए अब हम लोग ऊपर आ चुके हैं, उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर भाई साहब आपको एकदम 80% छूट में आपको मेडिसिन मिल जाएगी। और भाई साहब सासाराम में ऐसा स्टोर कहीं पर भी नहीं है जहाँ पर आपको भाई साहब 80% में मेडिसिन मिलती है, वो भी भाई साहब जेनरिक मेडिसिन। और भाई साहब आप जितनी भी यहाँ पर जो दवाइयाँ देख रहे हैं वो सब सारी जो दवाइयाँ है गवर्नमेंट अप्रूव है। तो गाइस जब हम लोग सासाराम के जेनरिक आधार मेडिकल स्टोर रूम में है, और अभी हमारे साथ इस मेडिकल स्टोर रूम के यहाँ पर ओनर है। तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनय कुमार मेहता हुआ। तो जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती है और जेनरिक आधार दवाइयाँ है उन सभी में क्या डिफरेंट है? जी देखिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों में अंतर सिर्फ इतना ही होता है, जैसे कोई भी एक चीज़, कोई भी एक सॉल्ट होता है किसी भी दवा को बनाने में, जो भी सॉल्ट लगता है अगर उसको हम किसी नाम से बेचते हैं और एम्प्लॉई रख के बेचते हैं तो उसको हम ब्रांडेड कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट में, देख सकते हैं बहुत तरह की दवाइयाँ जो है 200, 300, 400 अलग अलग कंपनियों की दवाइयाँ अलग अलग प्राइसिंग पे बिकती है। वो इसलिए बिकती है क्योंकि वो ब्रांडेड कही जाती है। और जेनरिक ये होती है कि जैसे जो कंपनी में डायरेक्ट मैन्युफैक्चर हो विदाउट ब्रांडिंग वो सीधे स्टोर पे आती है और पेशेंट को मिल जाती है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस यही होता है कि ब्रांडेड जो होता है वो कंपनी ब्रांड नेम दे के बेचती है और जेनरिक में ब्रांड नेम नहीं होता है, बशर्ते दोनों का काम एक ही है। जी उसमें क्वालिटी में कोई भी अंतर नहीं होता है, ना कि कंपोजिशन से कोई छेड़छाड़ होती है। तो जो जो दवाइयाँ, जैसे आप एक पैरासीटामोल लेते हैं तो वो भी इतना ही इफेक्टिव होगा जो ब्रांडेड होगा, जो एक जेनरिक का होगा। मतलब जितना ब्रांडेड हम दवा लेते हैं जी वो भी इतना ही असर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक रुपए का भी अंतर नहीं आता है। अच्छा, और जेनरिक आधार जो दवाइयाँ हैं उनकी और खासियत क्या है? जी जैसे देखिए इसमें बहुत सारी खासियत है। एक तो आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी दवाइयों की इसमें, दूसरी इसमें अभी भी कोई भी कंपनी आपको 15-80% तक डिस्काउंट नहीं दे रही है मार्केट में, और तीसरी चीज़ इसके साथ आपको एक बेनिफिट ये भी है कि ये जितनी सारी दवाइयाँ गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और इनको गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का अप्रूवल भी मिला हुआ है, तो पेशेंट आँख बंद करके इस दवाइयों पर भरोसा कर सकते हैं। मिनिमम आपको 15% दवाइयों पे छूट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 50-60% हर एक दवाइयों पे छूट मिलती है यहाँ पे।
अच्छा कौन कौन सी आप दवाइयाँ रखते हैं जरा पब्लिक को बताइएगा। जी मैं ये देखिए पेंटाप्रोजोल और डोमपेरिडोन का गैस का गोली है जो मार्केट में 150 करीब बिकता है, ये मात्र मेरे पास 30 रुपए की एक एक पड़ते हैं। अच्छा ये मार्केट में 150 को मिलता है और यहाँ पर हमें 30? जी जी ये इसलिए मैंने आपको अभी बताया, जैसे अगर इस चीज़ को मैं अगर ब्रांडिंग करके बेचूं मार्केट में, अगर 10 लड़कों से कंपनी का स्टाफ रख के अगर इस चीज़ को मार्केट में उतारूं तो ये 10 रुपये की चीज़ मुझे 200 रुपये में बेचनी पड़ेगी, लेकिन ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चर्ड होके मेरे पास आई स्टोर से और मैंने डायरेक्ट पेशेंट को दिया, तो ये 10 रुपये की चीज़ 30 रुपये में मार्केट में पेशेंट को मिल रही है। चीज़ वही होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल यानी इस तरह की दवाइयाँ जो मार्केट में उपलब्ध हैं वो 300 साढ़े 300 रुपये का एक पत्ता है, जबकि सेम दवाई वही चीज ये मात्र 25 रुपये का एक पत्ता यहाँ पड़ता है। ये मार्केट में 300 का मिलता है और यहाँ पर ओनली 25? जी 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 बिल्कुल। भाई साहब देख लो कितना सस्ता है यहाँ पर, आप देख लो जल्दी का था। मैं जनता से एक चीज और बताना चाहूंगा, आप लोगों ने जन औषधि के बारे में सुना होगा जो कि भारत सरकार का एक पहल है, छोटा सा पहल है ताकि लोग जागरूक हो कि जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों में कोई अंतर नहीं है। आज आप देख सकते हैं पूरे इंडिया में जेनरिक दवाइयों की डिमांड बढ़ती जा रही है, विदेशों में भी भारत बहुत जगह जेनरिक मेडिसिन की सप्लाई कर रहा है, तो मैं जनता से यही बोलूंगा कि जब भी आप मेडिसिन लें तो एक बार कंपेयर कर लें कि आप जेनरिक ले रहे हैं ब्रांडेड ले रहे हैं और दोनों में अंतर क्या है। कोई भी डॉक्टर आपको मना नहीं कर सकता कि आप जेनरिक लें या ना लें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये गाइडलाइन आ चुका है कि आप कोई भी डॉक्टर जो है जेनरिक मॉलिक्यूल नेम से ही दवा को प्रिस्क्राइब करें। जैसा कि आप देख सकते हैं जो दवाई मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, इस तरह का सॉल्ट जो है मार्केट में कॉमनली 650-700 रुपये का एक स्ट्रिप आता है और ये यहाँ पे मात्र 200 रुपये में है। अच्छा ये दवा कौन सी रोग में काम आता है? ये स्टोन, किडनी स्टोन, स्टोन के प्रॉब्लम में जो होती है उस चीज़ में ये यूज़ होता है, तो आप समझ सकते हैं कि दवाइयों में कितनी मार्जिन होती है। तो मैं ये लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है अपना कीमती पैसा और अपना स्वास्थ्य दोनों का ख्याल रखें। और क्या क्या सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं? जी जैसे देखिए मैंने जनता के बारे में अपने समाज के बारे में सोचते हुए तो ताकि यहाँ पे लोगों को दिक्कत ना हो इसीलिए यहाँ डॉक्टर सुविधा भी दी हुई है जो कि डॉक्टर मेरे यहाँ इवनिंग में बैठते हैं 2 घंटे के लिए, और इसके साथ साथ मैंने एक नया पहल चालू किया है कुशवाहा, रोहतास के सभी लोग जानते होंगे कुशवाहा सभा भवन के बारे में, तो ये मैंने पिछले महीने से चालू किया है कि यहाँ के जनता को लाभ मिल सके, तो इसके लिए मैंने फ्री शिविर चालू किया है जो कि फ्री सर्विस चालू किया है, वो हर एक महीने के अंतिम रविवार को कुशवाहा सभा भवन में हर एक महीने के अंतिम रविवार को वहाँ फ्री चेकअप होगा। फ्री चेकअप में आपको जैसे शुगर की जाँच फ्री होगी, कोलेस्ट्रॉल की जाँच फ्री होगी, उसके अलावा आपको हीमोग्लोबिन की जाँच फ्री होगी, तो 4-5 चीज़ें हैं जो फ्री में जाँचें होंगी, उसके अलावा आपको डॉक्टर की सेवा फ्री दी जाएगी उस दिन। अच्छा जो आपके यहाँ जो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं रहती हैं वो आप कितने दिन में मंगवा देते हैं? जी देखिए आमतौर पे मैं 2 से 3 दिन का समय लेता हूँ पेशेंट से। मान लीजिए बहुत सारी दवाइयाँ जो है बनारस की होती हैं लिखी हुई, बहुत सारी लखनऊ की भी होती है, बहुत सारी दिल्ली की भी दवाई लिखी होती है, तो मैं पेशेंट से 2 से 3 दिन का समय लेता हूँ और उस दवाई को उपलब्ध करा देता हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हो सासाराम में काइंड फार्मा, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जेनरिक आधार दवाइयाँ मिलती है और भाई साहब बहुत ही सस्ती सस्ती यहाँ पर दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी एज कम्पेयर टू ब्रांडेड मेडिसिन। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मेडिकल स्टोर रूम जहाँ पर आपको भाई साहब 80% छूट तक आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी, और ठीक इसके बगल में यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डॉक्टर्स रूम है जहाँ पर डॉक्टर्स बैठते हैं, आप यहाँ पर चेकअप करवा सकते हैं और यहाँ पर हर दिन डॉक्टर 4:30 बजे बैठते हैं। यहाँ पर अगर आपको चेकअप करवाना है तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए।